कैसा रहेगा साल 2023 मीन राशि वालों के लिए। शनि की ढैया शुरू हो रही है 17 जनवरी 2023 से, तो 17 जनवरी 2023 के बाद रहने वाला पूरा साल कैसा रहेगा। साढ़े साथी कब तक रहेगी, साथी साथ साढ़े साथी क्या लेकर आएगी, क्या सिर्फ नुकसान होंगे या कुछ फायदे भी होने के चांस है, ये सब बातें आपकी भी दिमाग में चल रही होगी। मीन राशि वाले जिनका नाम शुरू होता है द अक्षर से, दिव्या नाम है आपका, दिनेश नाम है, च अक्षर से आपका नाम शुरू होता है या झ अक्षर से नाम शुरू होता है या फिर आपका नाम शुरू होता है ज अक्षर से, तो फिर आप ही के लिए है यह राशिफल या ये कहें मीन राशि का साल 2023 शुभ रहेगा या नहीं यह जानने के लिए है आज का वीडियो। नौकरी पेशाओं के लिए कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, कॉम्पिटिशन में एग्जाम देने वालों के लिए कैसा रहेगा, महिलाओं के लिए कैसा रहेगा, बच्चों के लिए कैसा रहेगा, संतान के लिए कैसा रहेगा यह साल, साथ ही साथ साढ़े साथी क्या लेकर आएगी, यह सब जानने के लिए आज का वीडियो। तो अभी तक इस चैनल को भविष्य नक्षत्र को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें चैनल भविष्य नक्षत्र को, और आइए जानते हैं कैसा रहेगा विद्यार्थियों के लिए साल 2023। जैसा देखा जा रहा है कि अभी तो मेष राशि में बैठा है राहु, और इसके बाद यानी कि जब मेष राशि छोड़कर आपकी राशि मीन राशि में आ जाएगा जब राहु, तो कैसे प्रभाव देगा यह जानने के लिए लगातार बने रहे इस वीडियो पर, लाइक कर दे अभी से वीडियो। मीन राशि जिसकी साढ़े साथी अभी जनवरी से ही शुरू हो रही है और साढ़े सात साल लगातार आपकी साढ़े साथी रहने वाली है, यानी कि 2023 से 2029-30 तक आपकी साढ़े साथी ही चलने वाली है और प्रथम चरण आपकी साढ़े साथी का शुरू हो रहा है, तो क्या ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें करने से आपको लगातार फायदे मिलेंगे, इस बात को जानने के लिए लगातार बने रहे इस वीडियो पर। तो आ जाते हैं सबसे पहले विद्यार्थियों के ऊपर, क्योंकि सबसे पहला जीवन का पड़ाव ही है विद्यार्थी जीवन, तो विद्यार्थियों के लिए यह साल थोड़ा सा कठिनाइयों भरा रहने वाला है, पर कठिनाइयों के साथ साथ यदि परिश्रम करें और माँ सरस्वती की पूजा करें आप आने वाली बसंत पंचमी के दिन, तो आपके लिए कठिनाइयां थोड़ी कम हो जाएंगी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले एक कलम का दान किसी भी गुरु अथवा पंडित को करें तो आपके लिए विशेष तौर पर उपलब्धि प्राप्त करवाने वाला यह साल रहेगा। आपको सरकारी नौकरी मिल जाने के योग बनेंगे, साथ ही साथ माँ सरस्वती की लगातार पूजा करते रहें तो भी आपको विशेष कृपा मिलेगी। पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, जितने भी विद्यार्थी हैं आपके लिए विशेष उपयोग यह उपाय रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2023, हमने बताया आपको कि राहु भी जो है वो अक्टूबर महीने के बाद आपकी ही राशि में आ जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा प्रतिद्वंद आपको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्र और राहु मिलकर किसी प्रकार का अच्छा योग तो नहीं बनाते, तो आपकी राशि को थोड़ी सी परेशानियां रह सकती हैं। इसके साथ साथ यदि नौकरी में अगर आप उपलब्धि पाना चाहते हैं तो जितनी भी फीमेल्स हैं उनको आप खुश रखेंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, साथ ही साथ यदि चींटियों को दाना खिलाएं तो नौकरी में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी, किसी प्रकार की समस्याएं आपको नहीं आएंगी। इसके बाद आ जाते हैं व्यापारी जनों के लिए कि जो लोग काम करते हैं राहु से जुड़ा हुआ, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ, सिगरेट इत्यादि अगर आप पीते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिनाई भरा यह साल रह सकता है। यदि हो सके तो सिगरेट और ऐसे धूम्रपान इत्यादि की चीजें आप छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। यदि आप उपाय के तौर पर जानना चाहें तो काले वस्त्रों का प्रयोग यदि आप करें तो बेहतर रहेगा, उनका दान करें तो अच्छा होगा, काले रंग का भक्षण जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथ ही साथ यदि देखें व्यापारी तौर पर और अच्छे उपायों की तरफ यदि जाएं तो तेल में काले तिल मिलाकर शनिदेव को दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय यह भी रहने वाला है। और अन्य उपायों को जानने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली अपनी हस्तरेखा दिखवा सकते हैं ताकि आपको यह बात की जानकारी हो सके कि आने वाला साल आपके लिए कितना अच्छा या कितना बुरा रहने वाला है, यदि बुरा रहने वाला तो क्या उपाय करें यह भी आप जान सकते हैं, सशुल्क आपको उत्तर मिल जाएंगे। यदि आप जानना चाहें कि महिलाओं के लिए कैसा रहने वाला है यह साल, तो यदि गृहिणी है या कहीं जॉब करती है तो कंप्यूटर से जुड़ी यदि आप जॉब कर रही हैं, रिसेप्शन से जुड़ी हुई या ब्यूटी पार्लर से जुड़ी हुई अगर आप जॉब कर रही हैं तो थोड़ा सा कठिनाइयां आपको आ सकती हैं। इन कठिनाइयों के लिए क्या उपाय किए जाएं यह जानने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इनको आप संपर्क करके हमसे उपाय ले सकते हैं। इसके अलावा किसी और के लिए महिलाओं के लिए ज्यादा परेशानियों भरा वाला यह साल नहीं रहने वाला है, अच्छा यह साल बीतेगा यदि आप शनि के छोटे छोटे उपाय करते रहे। काले रंग का छाता श्रावण मास में यदि आप दान कर दें, साथ ही साथ भगवान शिव को यदि आप प्रसन्न करती रहें या सोमवार के व्रत रखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विवाहित लोगों के लिए यह साल अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति अधिक आप जितना भी आपका प्रेम है वह उमड़ेगा, यह साल आपके लिए पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने वाला है। यदि विवाह के तौर पर देख रहे हैं तो विवाह
इस साल जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी तक, तो इस साल में उनके भी योग बनेंगे। शादी के जितने भी योग हैं वो बनेंगे आपके अप्रैल और मई से पहले पहले के, तो इसमें अगर आपका विवाह हो जाता है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से ही, और उसके बाद सीधे बनेंगे देवठान एकादशी के बाद के आपके। तो जितने भी लोग इस साल विवाहित होने वाले हैं उनको अभी से शुभकामनाएं। यदि मुहूर्त इत्यादि के बारे में पूछना हो तो नीचे देकर व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए ओवरऑल सबके लिए यह साल कैसे रहने वाला है, तो परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती यह मानते हुए यदि आप मेहनत करें तो यह साल आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। चाहे विद्यार्थी आप हो, नौकरी पेशा हो, व्यापारी हो या महिला हो, या फिर आप एक ऐसी अवस्था में हो जहां पर आपको प्रौढ़ अवस्था के साथ किसी चीज में इन्वेस्टमेंट या फिर बच्चों के प्रेम की आवश्यकता हो, तो यह सभी के लिए बहुत ही अच्छा यह साल रहने लगता है। प्रमोशन लेकर यह साल आएगा। प्रमोशन किस प्रकार के? सिर्फ पैसों के प्रमोशन नहीं, नौकरी में प्रमोशन नहीं, हर प्रकार के प्रमोशन के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्योंकि शनिदेव सिर्फ सेवा चाहते हैं और अच्छी चीजें जितने सत्कर्म आप करेंगे उनको 10 गुना 19 गुना तक करने का क्षमता शनिदेव रखते हैं। तो आपके ऊपर विशेष कृपा अब आ गई है श्री शनिदेव की, तो केवल सेवकाई करें, अच्छे अच्छे काम करें, एक अच्छा काम करेंगे 19 गुना आपको देंगे शनिदेव। ऐसी मनोकामना हमारी पूरी हो जाए, ये आपका भला हो जाए, ऐसी मनोकामना हम मांगते हैं। और अगर आप चाहते हैं हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, आपके संग अच्छा हो जाए, तो सब्सक्राइब कर दें चैनल भविष्य में चित्र, लाइक करें इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है। तो जान लेते हैं साढ़े साती किन किन की चल रही है। मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनकी साढ़े साती सन 2023 में रहेगी, साथ साथ ढैया रहेगी कर्क राशि और वृश्चिक राशि की। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का उपाय करें और सभी का भला हो, ऐसा भविष्य नक्षत्र चैनल और हम ज्योतिष सहयोग आप सभी के लिए चाहते हैं।